हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आंवला कैंडी। आंवला कैंडी बहुत ही आराम से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी। आंवला कैंडी हम आराम से घर पर बना सकते हैं। आंवला के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो रोज हम एक आंवला आराम से खा सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं यामी यामी आंवला कैंडी। आंवला कैंडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आंवलों को अच्छे से धुल लेना है, एकदम साफ होने चाहिए। और साथ साथ इन आंवलों को हम डालेंगे एक कुकर के अंदर। आंवला हमें रोज खाना चाहिए और कैंडी हम बच्चों को आराम से खिला सकते हैं और बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आंवले को एक कुकर के अंदर डाला है। साथ साथ डालेंगे एक कप पानी और ढक्कन लगा देंगे, एक सीटी आने देंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है, अब एक सीटी आने देते हैं। गैस को बंद कर देंगे और अब ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है और खोलकर देख लेते हैं। एकदम आंवला हमारा अच्छे से गल गया है और थोड़ा सा ये अपने आप से खिल जाता है। मैं एक उठा कर दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, एकदम इसकी फांके अलग होने लगी हैं, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। आंवले को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है और जो पानी है इसको हम स्टोर कर लेंगे, या तो अपना सिर धुलने के लिए इसको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी आंवलों को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसका हमें बीज अलग कर देना है। धीरे से इसको हम अलग करते जाएंगे और बीज को अलग कर देंगे। इसकी कलियां हमें निकाल लेनी है। बहुत ही आराम से ये निकल जाती हैं। ऐसे ही सभी कलियों को हमें निकाल लेना है। यहाँ पर सभी आंवले की कलियों को हमने अलग कर लिया है, बीज को अलग निकाल दिया है। इन बीज को हम फेंक देंगे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक हम बड़ा जार लेंगे और धीरे से सभी आंवला को हम जार के अंदर डालेंगे। आपकी एकदम कैंडी बहुत ही अच्छी बनेगी। साथ साथ हमने आधा किलो आंवला ये लिया है, तो हमें आधा किलो ही चीनी लेनी है और इसको हम आंवले के ऊपर डालते जाएंगे और फैला देंगे। सभी आंवले के ऊपर हमारी चीनी अच्छे से आ जानी चाहिए, ऐसे। और अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे। 4 से 5 घंटे बाद आपको लगेगा कि इसके अंदर पानी छूट गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे से सारी चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी, तो अभी इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। 5 से 6 घंटे हो गए हैं और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। एक बार मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। आंवला कैंडी अच्छे से हमारी चीनी के अंदर भीग गई है और ऐसे ही हमें अभी 5 से 6 घंटे इसको ऐसे ही भीगे रहने देना है। आंवला बिल्कुल अच्छे से चीनी के अंदर भीग गया है और चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। तो एक बार मैं एक आंवले को आपको दिखाती हूँ। एकदम से ये सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसी स्टेज पर हम आंवले को एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। पानी इसका हमें अलग करना है। देखो फ्रेंड्स, एकदम से सॉफ्ट हमारा बढ़िया बढ़िया आंवला हो गया है और अब इसको हमें धूप लगाना है एक दिन के लिए। पहले पानी इसका निकल जाए, 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। पानी हमारा अच्छे से निकल गया है और जो पानी हमारा नीचे निकला है इसको स्टोर कर रखेंगे। तो ये कैंडी को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा फैलाएंगे। और
और इस कैंडी को हम एक दिन के लिए धूप लगाएंगे। कैंडी को मैंने धूप में रख दिया है और इसको ऐसे ही अब 4 से 5 घंटे के लिए सूखने देंगे। एक ढक्कन आंवला शरबत लेंगे और आधा ग्लास पानी और इसको हम पी लेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी हमारा शरबत बनकर तैयार हो गया है। हमारी आंवला कैंडी अच्छे से सूख गई है और ये बिल्कुल एकदम ड्राई हो गई है, तो इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, हम लेंगे थोड़ा सा शुगर जो मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार में इसको पीस लिया है और हल्का हल्का सा हम कैंडी के ऊपर इसको डालते जाएंगे। एकदम बढ़िया हमारी कैंडी बनकर तैयार हो गई है और हल्का सा मिक्स करेंगे। एकदम मार्केट जैसी कैंडी हमारी बनकर तैयार हुई है। एक कैंडी को मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट यमी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप आंवला कैंडी बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।